आलू जो है वो 85 रुपये, प्याज 65 रुपये चल रही है जी। भाई टायर पंक्चर हो गया था। चलो भाई पंक्चर वगैरह तो कुछ भी नहीं निकला। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई? रात में बारिश ने तो तबाही मचा दी है और पूरा शहर जो है ना वो स्विमिंग पूल का मंज़र जो है पेश करने लगा है। और जो हमारे ख़ास ख़ास सड़कें हैं जिससे गुज़र होता है वो पानी से शदीद किस्म से जो है ना भरी हुई है। तो मैं भी निकला हूँ, थोड़ा सा एक दो काम करने हैं तो उसके लिए मैं निकला हूँ। थोड़ा सा सड़कों की सूरत हाल भी देख लें कि क्या सूरत हाल है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा, ये वैसे तो केडीए चौरंगी के पास जो है ना वो ठीक ठाक पानी जमा होता है, मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ। वहाँ पर एक जो है वो स्टोर खुला है स्पार के नाम से, और बादराबाद में है इसकी ब्रांच, यहाँ पर भी खुला है, काफ़ी अच्छा हो गया। तो ज़रा केडीए चौरंगी की सूरताल भी देख लेंगे कि क्या चल रही है, और साथ साथ में जो है ना कुछ चीज़ें लेनी हैं वो भी ले लेंगे घर के लिए। मैं अभी स्पार की तरफ ही जा रहा हूँ। ये देखें ये हाल है, गड्ढे पड़े हुए जबरदस्त किस्म के। अच्छा, रात भर जो है वो बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद जो है अभी हल्की सी धूप निकली है, और अच्छा है धूप निकली है तो थोड़ा सा मामला खुश्क हो जाएगा। थोड़ी सी मैं ज़रा गैस भरवा लूँ, यहाँ पे पेट्रोल भी है लेकिन ज़रा इसका एवरेज अच्छा आ जाता है सीएनजी का, तो फ़िलहाल तो मैं इसको सीएनजी पे कर लेता हूँ। यार ज़रा 1000 का डाल दो। आवाज़ सुन रहे हैं आप? टंकी बिल्कुल खाली थी। आज जो है बारिश की वजह से सिंध गवर्नमेंट ने आम तातील का ऐलान किया हुआ है, क्योंकि आज दिन के वक्त भी जो है बारिश लगेगी। तो ये आप देखें सरकारी अमला बैठा हुआ है जनाब, ये टेंट शेंट भी लगाया हुआ है, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा, ये चौरंगी जो होती है ना इसका बहुत बुरा हाल होता है, ठीक ठाक पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पर केडीए चौरंगी पर। और अभी जिस जगह पर जा रहा हूँ वहाँ तो बहुत बुरा हाल होता है। ये केडीए से अगर आप जाएंगे ना ज़ियाउद्दीन चौरंगी की तरफ तो ठीक ठाक पानी भरा हुआ होता है, गाड़ियाँ तो नहीं जा सकती, लेकिन अभी चूँकि बारिश को रुके हुए कई घंटे हो गए हैं तो पानी सड़कों से निकल चुका है, तो इसीलिए हमें आसानी हो गई है। अच्छा, बारिश का एक फ़ायदा ये हुआ है कि सड़कें साफ़ सुथरी हो गई हैं लेकिन जितना भी कचरा था वो सब नालों में गए, और नालों में जाने के बाद फिर ये नाले ब्लॉक हुए, और ब्लॉक होने के बाद फिर पानी सड़कों पर। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ उधर स्टोर पे स्पार के, और देखते हैं कुछ चीज़ें चाहिए वो देख लेता हूँ। ये मेरे लिए ले लो। अच्छा जी, ये आलू जो है वो 85 रुपये, और लाल आलू जो है सॉरी 85 और 59 भी है, 85 रुपीज़ के जी।
इसके लिए पहले हम लेंगे शॉपर। ज़्यादा नहीं चाहिए आलू, थोड़े से चाहिए। प्याज 65 रुपये चल रही है जी। ये मैं लूँगा थोड़ा दरमियानी सी प्याज। राइस कहाँ पर होंगे? राइस कहाँ पर होंगे? राइस चावल, चावल सीधे दूसरी में। अच्छा ठीक है। चावल चावल अच्छा जी, ये ले लिया है जनाब मैंने इस पार से सुपर कर्नल, पोटैटोज, मेज़बान पराठा, अनियंस, टमाटोज और 1 रुपये इन्होंने चार्ज किया थी स्लिप के। FBR POS। अच्छा ये बताओ, ये देखें भाई, ये और ये सफाई, ये पानी निकाला जा रहा है झाड़ू से, झाड़ू से पानी निकालना। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ये झाड़ू से पानी निकाला जा रहा है। अच्छा ये स्पार से जो है ना, मैं ये ले लेता हूं सब्ज़ी वगैरह, ज़रा फ्रेश मिल जाती है और क्वालिटी भी ज़रा सही होती है ना। वैसे मुमन ठेले वगैरह से लो तो वो भी ठीक होती है, पर ये कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें से छाटी करनी पड़ती है। रेट सही है, मुनासिब है। एक जो चीज़ देखें ना आप, टैक्स का जो मामला है उसमें गवर्नमेंट हमारी बहुत तेज़ है। 1 रुपये चार्ज कर रहे हैं जनाब, ये गवर्नमेंट का जो टैक्स है ना ये अलग है, जितने भी टैक्स आप दे रहे हैं ना उसके अलावा ये 1 रुपये आपको फी बिल पे देना ही रहना है, ठीक है। इनके जो आलू के समोसे होते हैं ना कसेशरी के, वैसे तो ये आलू के नहीं है, ये डी टाइप समोसे हैं, बड़े ज़बरदस्त है। बेटा ये आलू के समोसे देना दो। भाई टायर पंक्चर हो गया था और ये भी व्हील खुलवा रहा हूँ मैं, देखें चेक करते हैं कि पंक्चर कितने हैं। बरसात में जो है ना अमूमन पंक्चर हो जाते हैं, क्योंकि सड़कों पे कचरा आ जाता है तो कचरे की वजह से जो है वो पंक्चर हो जाती है गाड़ी।
एक का डोरी वाला हो वो प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। अभी तलाश कर रहे हैं पंक्चर कहाँ से हुआ है, नजर नहीं आ रहा भाई को भी। हवा निकाली तो नहीं किसी ने? इसका वॉल चेक करो, चलो भाई पंक्चर वगैरह तो कुछ भी नहीं निकला। फिर मैं निकलूं समोसा खा लेते हैं भाई एक, क्योंकि भूख लग रही है शदीद, तो बरसात का भी मौसम है, समोसा तो बनता है भाई। ओए होए, ये है कसरे शरी का समोसा गरम गरम। बरसात हो रही है और समोसा खाएं आप, मज़ेदार बेहतरीन। अच्छा जी, गाड़ी का पंक्चर जो है ना बिल्कुल भी नहीं था, और काफ़ी कोशिश की, तलाश किया कि शायद कोई पंक्चर निकला है, तो भाई मैंने उससे कहा कि ऐसी ही आप वापस व्हील लगा दें, तो 100 रुपये उसने लिए व्हील खोलने के दोबारा लगाने के। तो भाई ये महंगाई का आलम है, कहा कुछ साल पहले जो है वो 100 रुपये का पंक्चर लगा करता था, अब सिर्फ व्हील खोलने को लगाने के 100 रुपये उसने दे दिया। सलाम है भाई महंगाई को।